कि मैंने एक दाई माँ से सुना था एक गांव में, जिन्होंने 5000 बच्चों के करीब जन्म दिया था, करीब 5000 बेबीज को उन्होंने प्रोड्यूस किया था अपने उस पूरे सफ़र में। उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमारे गांव में आज भी अलग परम्परा है, अगर नेचुरल बर्थ होती है तो हम लोग मिट्टी पे औरत को डिलीवरी के बाद लेटा के रखते हैं, जिससे कि पूरा खून जो है मिट्टी में रम जाए, और 15 डेज बाद जब वो बाहर निकलते तब हम सूरज पूजा और ये सारी चीज़ें करवाते हैं। परंपराएं यदि खालिस तौर से मौजूद हैं, तो उस मौजूदगी की बड़ी कीमत कई बार कई तरह से चुकानी पड़ती है, और इसी परंपरा के बहाने कई तरह के अंधविश्वास इंसानी वजूद को अपने शिकंजे में जकड़ लेते हैं। इसे आप झूठा विश्वास कह लें या वहम, लेकिन इसी सच की गिरफ्त में इंसानी समाज की जिंदगी का सफर सदियों से नरकीय प्रताड़नाएं झेल रहा है, जिसका अनुमान ही अपने आप में त्रासदी है। समाज के तलछट में इन्हीं अंधविश्वास की परछाइयों से सबसे ज्यादा औरतों की आबादी प्रभावित हुई है, खास तौर से मासिक या पीरियड्स को लेकर दुनिया भर के तमाम मुल्कों में बहुत से अंधविश्वास हैं, जिसे झेलना औरतों की मजबूरी हो जाती है। भारती सिंह चौहान राजस्थान की बेटी है, इसीलिए पीरियड से जुड़ी भद्दी परंपराओं को झेलने का इनका अनुभव अपने आप में एक कहानी है। भारती की कहानी में कथा वस्तु भी है और ऐसे कई पात्र भी हैं जिनके संवाद आपको सोचने को मजबूर करते हैं। इस कहानी के एक नहीं कई विचित्र पहलू हैं, जो उदास भी करते हैं और उत्साह भी जगाते हैं। जिंदगी के झंझावतों को झेलकर इस मुकाम तक पहुंची भारती आज भी अंदर से बेचैन और ऊपर से शांत दिखती हैं। उनके सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं शादी के 16 साल बाद मेरा जन्म हुआ। मेरे मम्मी पापा को हमेशा से इच्छा थी कि उन्हें बच्चा हो, पर किसी कारणवश नहीं हो पाया, और उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, मंदिरों में हाथ जोड़े कि भाई मुझे एक बच्चा चाहिए, और अंत में मैं हुई। जब वो हुई तो मैं शायद उनके लिए एक परी से कम नहीं थी। मेरा प्री प्राइमरी एजुकेशन बैंगलोर में रहा। 8 साल की थी जब मेरे ब्रदर के साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, मगर वो इंसिडेंट कहने को छोटा था, मगर वो हमारी ज़िंदगी को बदल के रख दिया उस इंसिडेंट ने। उसका वो एक छोटा सा हादसा मेरे पापा का बिजनेस ख़त्म कर गया। एक ही रात में हम लोग सड़क पे आ गए। जितने भी रिश्तेदारों पे हमने विश्वास किया, उन्होंने हमें छोड़ दिया। जितनी प्रॉपर्टी पापा ने बनाई वो सब चले गए, और वहीं से हमारा संघर्ष जो है शुरू हुआ। भारती ने जवानी में कदम रखने के पहले ही जिंदगी की उन तमाम सच्चाइयों को झेल लिया, जिनसे रोज बरोज का सामना हर समाज और मजहब की लड़कियां करती हैं। यानी इतना वहम कि जिसकी गिरफ्त में कोमल मन का उत्साह बुरी तरह रौंद जाता है। बात करें एडोलसेंट एज में अक्सर क्या होता है, लड़कियों के पीरियड्स में ऊपर नीचे चलता रहता है, किसी के 15 डेज आगे हो जाता है, किसी के 15 डेज बाद में हो जाता है, किसी के लगातार 7 दिन से ज़्यादा भी हो जाता है। वो ये नहीं समझते कि एक नेचुरल प्रोसेस है, जो प्रोसेस नया शुरू हो रहा है उसको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और फिर स्टेबल होगा कि हर महीने आपका 28 दिन का चक्र बनेगा। वो लोग ये सोचते हैं अगर 6 या 7 दिन अगर पीरियड्स हो गए, इसका मतलब है इस लड़की ने जरूर चौराहे पे पैर रख दिया होगा, जहाँ पे किसी ने जादू टोने टोटके किए होंगे, अब तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, और इसको घर से बाहर मत निकलने दो। बहुत क्लियरली ये कहा जाता है कि जाना ही नहीं है अब आपको बाहर, क्योंकि टोटके हो चुके हैं आपके ऊपर, अब चलो तुम्हें तांत्रिकों के पास लेके जाते हैं, या फिर होते हैं ना झाड़ फूक करने वाले, उनको पास ले जाते हैं, और वो लोग जो उन्हें जो भी चीज़ बताते हैं करने के लिए कि नींबू काट करके फेंको, ये करो वो करो, वो सारी चीज़ें करो। तो इस तरह जिंदगी का वजूद फड़फड़ाता हुआ अंधविश्वासों की भेंट चढ़ जाता है। इस पर्दादारी ने समाज की औरतों के अंदर इतनी शर्म और संकोच भर दिया कि औरतें बेजुबा हो गई। नतीजा सामने है। किसी गांव में मैं वर्कशॉप कर रही थी, जहां पे एक मदर आई थी, और उसने होता ना शर्म का रिजल्ट क्या हो सकता है, उस रिजल्ट के बारे में अगर आप भी सोचोगे तो शायद आपको भी लगेगा कि यार ये क्या ऐसे भी हो सकता है क्या। एक मदर आई, बोली कि है ना मैडम जी मुझे आपसे अलग से बात करनी है। तो मैंने कहा हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या बात हो गई। तो ले जा कर के बोलती है कि मैडम मेरे ना
वजाइना में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा क्या हो गया, मेरे को लगा कोई इचिंग हो रही होगी या फिर स्वेलिंग हो रही होगी। तो मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि मैडम मैंने ना कपड़ा यूज़ में लेती हूँ तो मेरे ब्लाउज़ का जो हुक है वो वजाइना में अटक गया है और वो मैंने निकाल तो दिया पर मेरा ना घाव बढ़ता जा रहा है। अब मैं बोलूँ तो किसको बोलूँ, पति से तो बोल नहीं सकती हूँ और मेरी सास को मैं अगर इस बारे में बात करूँगी तो वो तो बोलेगी पता नहीं कुछ हो गया है तुम्हारे साथ और ये सब चीज़ें। वो थोड़ी पढ़ी लिखी लड़की थी, औरत थी। तो मैंने उनको ये बोला सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ये चीज़ आप अगर अपने पति को नहीं बता, सेक्स के लिए आप अपने पति से बात कर सकते हो और वो आपसे बात कर सकते हैं मगर आपके तकलीफ़ के बारे में आप अपने पति से नहीं बात करना चाहते। तकलीफ को जुबान नहीं मिल पाना आधी आबादी के बड़े हिस्से की एक बड़ी लाचारी है। भारती उस पढ़े लिखे समाज की अंदरूनी सच्चाई पर पड़े पर्दे को गिराकर औरतों को ना सिर्फ उस ओढ़ी गई झिझक से मुक्त करवाना चाहती हैं, बल्कि औरत होने के कुदरती उपहार को अंदर से जी लेने का उत्साह भी भरती हैं। तब मुझे बड़ा अंदर से महसूस हुआ कि यार आज भी यानी पढ़ी लिखी लड़कियां औरतें भी मालूम है इस बारे में डिस्कस करते हुए शर्माती हैं। फिर उसको जब पूरा प्रोसेस बताया था हमने वर्कशॉप के दौरान कि एक नेचुरल प्रोसेस है, इसी की वजह से तो आपको एक वरदान मिला है कि आप किसी बच्चे को जन्म दे सकते हो। उस आदमी को शर्म आना चाहिए अगर वो आपकी केयर नहीं कर रहा है, उसको थोड़ी ना वो वरदान मिला है कि वो एक छोटी सी सृष्टि इस दुनिया में एक बच्चे को पैदा करता है। तो एक औरत को मिला है उस वरदान की अगर वो कदर नहीं कर रहा है तो सबसे पहले उसके ऊपर थूथू है, तुम पे थोड़ी ना कि तुम शर्मा के उसको नहीं बता रही हो। बचपन से जिंदगी की हर तकलीफ को भारती ने झेला है। दुर्घटना से भाई का अपाहिज होना, पिता का कारोबार न सिर्फ डूबना बल्कि बर्बाद हो चुकी जिंदगी में रोजगार तलाशते पिता का एक हादसे में बुरी तरह घायल होना, उसके बाद पेट भरने के लिए भारती को किसी रिश्तेदार के घर भेजा जाना और वहां जिंदगी की तमाम दुश्वारियों को एकजुट होकर भारती पर भारी पड़ना। बावजूद इनके भारती ने परिस्थितियों से टूटने और झुकने के बदले उनसे जूझना सीख लिया। लेकिन जिंदगी का एक ऐसा मुकाम भी आया जब भारती के सामने दुविधा के हालात पैदा हुए। नया स्टार्ट जहाँ पे मेरे पापा ने मुझे पर्सनली 10th के बाद बुलाया, मैं बड़ी एक्साइटेड थी, 11th स्टैंडर्ड सीनियर सेकेंडरी में मैं आ गई और अब मैं पढ़ाई करूँगी और ये करूँगी वो करूँगी, बहुत सारे सपने सजा लिए। और मेरे पापा मुझे बुलाते हैं, मुझे कहते हैं बेटा मेरे को नौकरी मिलने लिए क्योंकि मेरे कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो गई और उम्र भी ज़्यादा हो गई क्योंकि तुम हुई भी बहुत लेट थी, मेरी एज भी इतनी हो गई है, मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही है, अब मैं तुम्हें पढ़ा भी नहीं पाऊँगा, तुम बुरा मत मानना मगर रिश्तेदार वगैरह से कई शादियों के ऑफर्स आ रहे हैं, तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। भारती ने बहुत अच्छी बात अपने पिताजी से की थी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पापा को यही था कि क्या वाकई में मेरी शादी करना चाहते हो, एक तरफ आप बोलते हो कि मैं आपका बेटा हूँ और दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, कि मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगी मैं पढ़ाई भी नहीं छोड़ूंगी, अब मैं क्या करूँगी कैसे करूँगी, कोई गलत काम नहीं करूँगी मगर मैं अपना पढ़ाई का खर्चा उठा लूँगी। तो मैंने वापस वो जो सीखा हुआ काम था, कहते ना हाथ का हुनर आपका कभी भी काम आ जाता है ज़िंदगी में, वही मेहंदी लगाई, वही साड़ियों में फॉल लगाया, मेरी मासी से बोलते कि ट्यूशन्स लिए, घर घर जाके वापस ट्यूशन्स लेना शुरू किया और साथ ही जो है मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिला। फर्स्ट टाइम एक लिंगरी स्टोर में रिटेल चेन आया था और उन्होंने लिंगरी स्टोर खोली थी और उन्हें कोई फीमेल चाहिए थी लिंगरी काउंटर में खड़ा होने के लिए। लेकिन बात इतनी तक नहीं थी, कैश काउंटर के कैशियर का मेरे को कुछ बोलना मुझे शायद एक्सेप्ट नहीं था कि उसने मुझे ये बोला था जिंदगी में तू कभी कुछ नहीं कर सकती है, कहने की बातें हैं कि सपने इतने बड़े बड़े लड़कियां देखती हैं मगर कुछ नहीं होगा, यहीं पे काउंटर पे खड़ी रहेगी और यहीं से मर जाएगी। तब मुझे इस बात का ये था कि मैं ज़िंदगी में कुछ बनूंगी और जिस दिन मैं बनूंगी उस दिन तुम्हें आकर के महसूस करवाऊंगी कि मैंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है। इसके बाद शादी हुई और शादी के बाद परिवार और पति के सहयोग से सामाजिक कार्यों में जुटती चली गई। लेकिन इनके जहन में एक बच्ची की तस्वीर टंगी थी जिसको महावारी आना था। भारती महावारी और उससे जुड़ी जानकारियों को लेकर जागरूकता मिशन के तहत स्कूलों में जाने लगी। हमने वहाँ पे वर्कशॉप्स करना शुरू किया, हर स्कूल ने और 5 स्कूल को रेफर किया और हमने सोशल मीडिया को यूज किया, हमारा जो भी काम कर रहे थे उसको डालते रहे और लोगों को पता पड़ता गया कि
हम ये करने लग गए। और कम हमारा करीब 10-15 वर्कशॉप हो गए थे, जिसके बाद हम गवर्नमेंट स्कूल्स को जब अप्रोच किए कि हम ये कर रहे हैं, हम ऐसा वर्कशॉप आपके स्कूल के लिए करना चाहते हैं, तो वो भी रेडी हो गए। जब वहाँ पे किया तो उनका भी इम्पैक्ट अच्छा लगा उन्हें, तो उन्होंने भी काफ़ी रेफर किया। इस तरीके से हमने 2 से 2.5 साल एवरी सैटरडे संडे जॉब करते हुए, मेरे हस्बैंड का बिजनेस चल रहा था, उन्होंने अपना टाइम निकाला, मैंने अपना टाइम निकाला, और हम लोगों ने वर्कशॉप्स डिलीवर करना शुरू किया। तो इस तरीके से हमारा 2015 तक करीब 17,000 गर्ल्स का हमने पर्सनल सेफ्टी वर्कशॉप कर दिया। उसी समय फेसबुक और वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम लोग ग्रास रूट लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनको फेसबुक के माध्यम से ढूंढेंगे और उन्हें 100 वुमेन अचीवर्स के लिस्ट में रिकॉग्नाइज करेंगे। इसके बाद तो जैसे जिंदगी को पंख लग गए, पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक होता गया उसका ही आकाश। भारती आज अपने भद्दे अतीत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी महिलाओं और बच्चियों को जागरूक करने में समर्पित कर दी है। आज वह जिस बदलाव को देखती है उससे उन्हें तसल्ली तो मिलती है, लेकिन मन नहीं मानता। शहरों में फिर भी थोड़ा सा बदलाव है, गांवों में आज भी पता है लोग वही चीज सोच के चल रहे हैं, और हम कोई जाता है ना बताने के लिए तो मजाक बनाया जाता है। जैसे हम लोग अगर सैनिटरी पैड्स को के बारे में बताते हैं या डिस्कशन करते हैं तो वो ये बोलते हैं ये क्या है, ये इसको उठा के फेंको, हम लोग तो पैंटीज ही नहीं पहनते हैं तो इसका क्या काम है, हमें तो चाहिए ही नहीं है। एक वर्कशॉप के दौरान जब मैं सैनिटरी पैड दिखा रही थी, एक बूढ़ी सी औरत जो है अपनी बेटी के साथ जो आई थी, उसने स्पेसिफिकली बोला था कि ये है क्या मैडम, आप इसके साथ कुछ और भी देने वाले हो क्या। तो मैंने कहा इसकी ज़रूरत ही नहीं है किसी और चीज़ की, इसको या तो आप पैंटीज के साथ पहनो या इसका एक धागा आता है जिसको आप यूज़ करके आप पहन सकते हो। तो उसने 5 मिनट में उसको देखने के लिए कि क्या करना है उसको फाड़ फूड करके देख रही थी कि है क्या इसके अंदर। अब कहने की जरूरत नहीं कि अपने देश में नेशनल हेल्थ मिशन के एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव अनसेक्सुअल हेल्थ कंपोनेंट की मौजूदगी कितनी और कैसी है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, फिर उसने बोला कि मैं बताती हूँ आपको हमारे यहाँ काम क्या लेते हैं। तो बोले हमारे यहाँ तो जो भी हम कपड़े पहनते हैं, पुराने कपड़े हो जाते हैं उसको उठा के रख देते हैं, जब जरूरत पड़ता है उसको फाड़ते हैं और उसको यूज में ले लेते हैं, या फिर हमारा सबसे अच्छा जो है बजरी, क्योंकि वो बहुत जल्दी पानी को सोखता है, उसकी पोटली बनाते हैं हम लोग, कपड़े को सिलते हैं उसके अंदर डालते हैं और उसको यूज़ में लेते हैं, पूरा सोख लेता है उसको हटा देते हैं, ऊपर से डोरी खींचते हैं और पूरा बजरी को निकाल देते हैं। इससे अच्छा प्रोसेस क्या होगा, ना धोने की झंझट ना कुछ करने की जरूरत, और आप सैनिटरी पैड बोल रहे हो सैनिटरी पैड यूज़ करो, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, देखो ऊपर कुछ है अंदर कुछ है। जैसे उसने पोस्टमार्टम किया था उसने पूरा मेरे को एक्सप्लेन करने में लगा दिया था। अपनी जिंदगी में ढेरों उतार चढ़ाव देख चुकी भारती ने उम्मीदों का सफर पूरा कर लिया है और मंजिल की ओर बढ़ रही है। जयपुर की तंग गलियों में जिंदगी का लंबा अरसा गुजार कर, रस्तों के अवरोधों को झेलकर, लोगों को साथ लिए भारती सिंह जब राष्ट्रपति भवन पहुंची तो जिंदगी की तमाम घटनाएं घुल मिल गईं। ये सिर्फ मेरा रिकॉग्निशन नहीं था, वो उन हर बच्ची के लिए था जिसके लिए मैं सपना देख रही थी कि उसके लिए मुझे कुछ करना है। और आखिर भारती ने कर दिखाया, होके मायूस ना यूं शाम से ढलती रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलती रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलती रहिए। डेवलपमेंट फाइल्स के लिए जयपुर से अमृता।